सब्सक्राइब कीजिए टेक टच चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक टच चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ विंडोज 10 पीसी में पासवर्ड एज को कैसे चेंज करते हैं, मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, मार्च के वीडियो में देखेंगे। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। सबसे पहले आपको लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी में जाना है। यहाँ पे देखिए, इसको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद आपको जाना है अकाउंट पॉलिसी में। उसके बाद आपको जाना है पासवर्ड पॉलिसी में। यहाँ पे देखिए, मैक्सिमम पासवर्ड एज है 41 डेज है और मिनिमम पासवर्ड एज है 0। आप ऐसे इजीली चेंज कर सकते हैं, मैक्सिमम हो या मिनिमम हो। मैं आपको मैक्सिमम करके बताऊंगा। आपको डबल क्लिक करना है। यहाँ पे 41 डेज है, आपको 60 टाइप करना है और अप्लाई कर देना है, ओके कर देना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सिमम पासवर्ड एज 60 डेज। उसी तरह से आप मिनिमम पासवर्ड एज को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको डबल क्लिक करना है। यहाँ पे 0 है, आप 6 टाइप कर सकते हैं और अप्लाई कर देना है और ओके कर देना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम पासवर्ड एज भी यहाँ पे 6 डेज में चेंज हो चुकी है। तो आप इस तरह से विंडोज 10 पीसी में मिनिमम और मैक्सिमम पासवर्ड एज को चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद कर सकते हो छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। टेक टच चैनल को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।